नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के कंप्यूटर लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं शायान और आज जो मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ उसमें ये बताएंगे कि एक ब्लाइंड PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किस तरह यूज कर सकता है ये सॉफ्टवेयर, अपनी बुक्स या कोई भी डॉक्यूमेंट किस तरह रीड कर सकता है या इसको ओपन किस तरह किया जा सकता है। तो आइए, मेरे पास PDF रीडर पहले से इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा पहले। इस पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। ये Adobe Reader इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे Adobe Reader मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं PDF की एक फाइल ओपन करना सिखाता हूँ कि PDF की फाइल जब ओपन करते हैं तो उसकी इनिशियल सेटिंग क्या करनी पड़ती है हमें। तो मेरे पास डाउनलोड में एक PDF फाइल पड़ी हुई है, मैं उसको ओपन करता हूँ। ये PDF की फाइल है, मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ। उसने मुझे लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए एक्सेप्ट करने का बोला है और इस वक्त वो डिक्लाइन पे खड़ा हुआ है, तो मैं डाउन एरो प्रेस करके एक्सेप्ट बटन पे एंटर प्रेस करूंगा। इस पे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसका लाइसेंस एक्सेप्ट कर लिया उसने। यहाँ पे मुझे एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग करनी है तो वो मुझे एक्सेसिबिलिटी के लिए तीन ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहला दे रहा है सेट ऑल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन रेडियो बटन चेक, सेट ऑप्शंस फॉर स्क्रीन रीडर रेडियो बटन चेक, सेट ऑप्शंस फॉर स्क्रीन मैग्नीफायर रेडियो बटन चेक। अब इसमें से मुझे एक पे चेक लगा के और नेक्स्ट करना है तो मैं सबसे लास्ट वाले पे सेट ऑल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन रेडियो बटन चेक पे मैंने चेक बार लगाया और टैब प्रेस करके यूज रिकमेंडेड सेटिंग्स एंड स्किप बटन पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। Always use this setting
ऑन डू नॉट शो मी दिस डायलॉग बॉक्स पे मैं चेक लगाऊंगा और स्टार्ट बटन पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए रीडिंग के लिए रेडी है और वही रीडिंग कमांड्स जो नोटपैड के लिए हैं वो सारी रीडिंग कमांड्स पीडीएफ पे भी अप्लाई होंगी, उसी के जरिए मैं रीडिंग कर सकता हूँ। अब मैं रीडिंग करना शुरू करता हूँ। ये जो ग्राफिक साथ बोल रहा है मींस कि इसके साथ कोई ना कोई छोटी छोटी तस्वीर भी आ रही है जिसको वो ग्राफिक की शक्ल में पढ़ रहा है। तो इसी तरीके से मैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट रीड कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइंदा फिर किसी ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।